जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों के साथ दुबौलिया विकासखंड के अतिवृष्टि प्रभावित विभिन्न गांवों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों तथा मैदानी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते नदी का जलस्तर काफी बढ़ सकता है। ऐसे में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी बाढ़ राहत केंद्र बाढ़ चौकी को सक्रिय करने का निर्देश देते हुए स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग को निर्देशित किया है। लोगों एवं पशुओं को नियमित इलाज करें। जिलाधिकारी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए शरणालय का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इन शरणालयों में बाढ़ प्रभावित लोगों के रहने खाने की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर सांडपुर सर्वोदय इंटर कॉलेज में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा शिविर संचालित किए जा रहे हैं तथा अस्वस्थ लोगों की जांच कर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिलाधिकारी ने सांडपुर के ग्राम प्रधान राम सिंह तथा कठारिया के ग्राम प्रधान नीतू सिंह से वार्ता की तथा आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ CDO डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति, ADM कमलेश चंद्र, SDM हरैया गुलाबचंद, DPRO नमिता शरण तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, बस्ती जनपद के जो अपस्ट्रीम में स्थित बांध हैं उनसे लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। अब तक 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है जिससे नदी के जलस्तर में वृद्धि होगी और तटवर्ती क्षेत्र में स्थित गांवों के मरून होने की स्थिति उत्पन्न हो जारी की। तो इसी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है और अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी विकसित किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य हमारे सुविखा बाबू, बिशुनदासपुर और टेड़वा गाँव, इनके यदि जलस्तर बढ़ता है तो इन्हीं गाँवों में जनसंख्या प्रभावित होगी। इनके लिए बाढ़ आश्रय स्थल विकसित कर दिए गए हैं और स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया गया है वहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध की जाए और इन लोगों को आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं स्थलों में विस्थापित किया जाए। बस्ती से दैनिक भास्कर के लिए जनार्दन पांडे की ये रिपोर्ट।